ये देखिए छेना चोकोबल कितना बढ़िया बना है, आप इसको घर पर बनाइए खाइए, ये खाने बहुत टेस्टी लगते हैं। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छेना चोकोबल। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबा क्योंकि मेरे नया रेसिपी पहले आपको। छेना चोकोबल के लिए ये सब सामग्री चाहिए। पहले हमको चाहिए छेना, मैंने लिया है ये 150 ग्राम छेना, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच सूजी, 1 कप चीनी, कैडबरी डेयरी मिल्क दो लिया है। अब हम एक बर्तन में ये छेना डाल देंगे और इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके ऊपर ये सूजी और ये मैदा डाल देंगे और इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे। ये अच्छा से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको छोटा छोटा गोला बना लेंगे। ये देखिए इस तरह छोटा छोटा गोला बना लेंगे। इस तरह हम सारा गोला बना लें। मैंने सारा गोला बना लिया है। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। मैंने गैस पर एक पतीला रख दिया, गैस ऑन कर दिया। अब हम ये 1 कप चीनी इसमें डाल देंगे और आधा कप पानी डालेंगे। फ्लेम हाई कर देंगे। चीनी पिघलने तक हम ऐसे चलाते रहेंगे। ये देखिए चीनी पिघल चुका है। अब हम फ्लेम स्लो से मीडियम कर देंगे और 3-4 मिनट इसको ऐसे बॉयल होने दें। 3-4 मिनट हो चुका है, चाशनी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। मैंने गैस पर एक कढ़ाई में तेल डालकर रख दिया है, फ्लेम हाई कर दिया है। तेल गर्म हो चुका है, ये छेना बन हम फ्राई करेंगे। फ्लेम स्लो से मीडियम रखेंगे। इस तरह हम पलटते रहेंगे।
ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हम इसको गरम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी अब हल्का गरम है। इसके बाद हम चेक करेंगे, कैडबरी डेयरी मिल्क को पिघलाएंगे। मैंने गैस पर एक पैन में पानी रख दिया, पानी गर्म हो चुका है। अब हम ये बर्तन इसका ऊपर रखते हैं, फ्लेम हाई रखेंगे। ये देखिए ये पिघल चुका है, घंटा हो गया। ये छेना गुला का अंदर चाशनी जा चुका है। अब हम ये छेना गुला ये डेयरी मिल्क में डाल दें। इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए छेना चकोबल हमारा तैयार हो चुका है। हम छेना चकोबल को एक प्लेट में सर्व करेंगे। छेना चकोबल को मैंने एक प्लेट में सर्व कर दिया। आप इसी तरह छेना चकोबल घर पर बनाइए, खाइए। ये खाने में बहुत टेस्ट लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।